हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेखा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एनीमिया यानी कि खून की कमी के बारे में। खून की कमी क्या होती है और क्या क्या इसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जब अगर हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। हमारा हीमोग्लोबिन होता है, अगर वो नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है तो वो डिटेक्ट करता है कि हमारी बॉडी में खून की कमी है। जो मेल होते हैं, मेल्स में अगर हीमोग्लोबिन 14 to 18 के बीच में होता है तो इसका मतलब उनका जो हीमोग्लोबिन है वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर उनका जो हीमोग्लोबिन होता है वो 14 से नीचे यानी कि 13, 12, 11, 12, 10 ये होता है तो इसका मतलब एक मेल की बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी यानी कि खून की कमी है। अगर हम एक फीमेल की बात करें तो फीमेल में 13 to 16 ग्राम पर डीएल तक अगर हीमोग्लोबिन लेवल रहता है तो इसका मतलब उनका हीमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर 13 से नीचे अगर उनका हीमोग्लोबिन जाता है 12, 12, 11, 10, 9 तो इसका मतलब एक फीमेल की बॉडी में हीमोग्लोबिन यानी कि खून की कमी है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी की बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम्स जो है वो पेशेंट फील करता है। सबसे पहला तो अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन खून की कमी हो जाती है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान फील होती है, बहुत जल्दी जल्दी वो थक जाता है, टायर्डनेस रहती है बॉडी में, एनर्जी लेवल जो होती है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। हर टाइम पे बस उसको नींद आने जैसा मन करेगा, उसे लगेगा कि बस मैं सो जाऊँ, बहुत थकान सी महसूस होती है। ब्रीदिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम्स आ सकती है। अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है तो आपकी जो स्किन है वो पेल हो सकती है, येल्लो हो सकती है, कि जो हार्ट बीट होंगी वो इरेगुलर होंगी, इरेगुलर हार्ट बीट होगी, डिजीनेस आप फील करेंगे, चेस्ट पेन आप फील कर सकते हैं और लिथार्जीपन आपकी जो है वो बॉडी में रहती है। अब हम बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी यानी कि आयरन डेफिशिएंसी जो होती है वो किस वजह से होती है, क्या कारण होते हैं आयरन की कमी यानी कि खून की कमी होने के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपर आयरन नहीं ले रहे हैं तो उस वजह से आपको आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा, अगर आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है किसी भी फॉर्म में, अगर आपकी बॉडी से ब्लीडिंग हुई है तो उस वजह से भी आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। तीसरा, अगर आपको कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से आपका जो RBC है वो अच्छे से फॉर्म नहीं हो रहा है, हीमोग्लोबिन जो है वो अच्छे से फॉर्म नहीं हो पा रहा है तो उस वजह से भी आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर अमाउंट में हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं कर रही है तो उस वजह से भी आपकी बॉडी में खून की कमी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा खून होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला जो होता है जैसे WBC, WBC क्या करता है, ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करने का काम करता है। जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारा जो WBC होता है वो ही हमें प्रोटेक्ट करता है किसी भी इन्फेक्शन से। दूसरा जो होता है वो होती है RBCs क्या करती है कि हमारी बॉडी में हर एक पार्ट पे ऑक्सीजन को ले जाती है। तीसरा जो होता है प्लेटलेट्स क्या करता है, हमारी बॉडी में क्लॉटिंग का काम करता है। जब भी हमें कहीं चोट लग जाती है तो उसके बाद हमारा जो ब्लड है वो अपने आप से बंद होने लग जाता है, क्लॉट होने वहाँ पे शुरू हो जाती है तो वो क्लॉटिंग का काम जो है वो प्लेटलेट्स करता है। तो इन तीन चीज़ों से मिलकर हमारा जो है वो RBCs बना होता है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के। अगर आपकी बॉडी में RBCs यानी कि खून की कमी है, आपको एनीमिया है, तो सबसे पहले अपनी डाइट में इम्प्रूवमेंट करिए। अपनी डाइट में आप आयरन रिच फूड ऐड कीजिए, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में नॉन वेज जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करिए, उससे आपका जो है वो आयरन लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकेंड काम आप ये कर सकते हैं कि आप जो भी वेजिटेबल्स या जो भी आप कुकिंग करते हैं, कोशिश करिए कि वो आयरन की बर्तन में कुक करिए। आयरन के बर्तन में कुक करने से क्या होता है कि आपको आपके फूड में ज़्यादा अमाउंट में आयरन मिलेगा, जिससे कि आपकी जो आयरन डेफिशिएंसी है वो दूर हो जाएगी। तीसरा, आप अपनी डाइट में सीजनल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स को ज़रूर ऐड करिए। आप अपनी डाइट में विटामिन B12 रिच फूड ज़रूर ऐड कीजिए। आप अपनी डाइट में विटामिन सी रिच फूड ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या होगा कि आपका हीमोग्लोबिन यानी कि आपके RBCs के प्रोडक्शन में आपको हेल्प मिलेगी। आप अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखिए। अगर आप
कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी डाइट में अच्छी चीज़ें तो ले रहे होते हैं, हम आयरन रिच फूड तो ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में आयरन डिफिशेंसी हो जाती है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। वो इसलिए होती है कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो फूड से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, मतलब एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो अगर एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा तो ब्लड में जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर तरीके से आ नहीं पाएगा, जिस वजह से क्या हो जाएगी, आयरन डिफिशियंसी यानी कि एनीमिया आपको हो सकता है। तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छी मेडिसिन आप ले सकते हैं। अगर आप अपनी डाइट में अच्छे से आयरन रिच फूड ले रहे हैं, फिर भी अगर आपको आयरन डिफिशियंसी है, तो होम्योपैथी में बहुत ही इफ़ेक्टिव एक आयरन टॉनिक आता है। आपको इसकी एक चम्मच सुबह, एक चम्मच दिन में और एक चम्मच शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले लेनी है। अगर आप बायोफंजन टॉनिक को कंटिन्यू 1.5 से 2 महीने तक लेते हैं, तो आपकी जो हीमोग्लोबिन की कमी है, यानी कि खून की जो कमी है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।